उज्जैन में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी बीजेपी नेता के गांव के ही हैं। उन्हें राम निवास कुमावत के बारे में सब पता था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि बीजेपी नेता के यहाँ वो चोरी के इरादे से घुसे थे, लेकिन बीजेपी नेता और उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया था। दोनों लोग आरोपियों को पहचानते थे, इसलिए आरोपियों ने दोनों की ही हत्या कर दी। और अब खबर नीमच से, जहां जन सुनवाई में घायल युवती पहुंची। युवती पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये युवती करते हुए नजर आई। जन सुनवाई के दौरान युवती घायल अवस्था में पहुंची और कहा कि हमला किया है कुछ लोगों ने इस पर, अब उसे न्याय चाहिए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग युवती करती नजर आई। उसका लड़का घर पे आके गाली गलौज करता है, बोलता है बंदूक से उड़ा दूंगा, जान से मार दूंगा, रोज टॉर्चर कर रहा है। हम क्या करें फिर कानून से उम्मीद नहीं लगाए तो किससे उम्मीद लगाए हम? फिर वारदात हो जाएगी कि वो हमें मार देंगे, उसके बाद कानून होगा क्या? खबर अंबिकापुर से है, जहां एक महिला जन दर्शन में पेट्रोल लेकर पहुंची और जन दर्शन में पेट्रोल लेकर पहुंची महिला ने जोरदार हंगामा कर दिया। बता दें कि हंगामा करने वाली महिला जमीन संबंधी मामले में निराकरण नहीं होने से काफी परेशान थी। महिला के हंगामे को देखते हुए तहसीलदार ने महिला को शांत कराया। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अगर आज मदद सर मेरा नहीं करेंगे निराकरण, तो आज एक तो यहाँ तो पेट्रोल कुल उठ लिया, लेकिन मैं कहीं पर खुदकुशी कर लूंगी। और उसका जिम्मेदार सिर्फ यहाँ कलेक्टर का ही लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 2011 से यहाँ आ रही हूँ। मैं यहाँ उतने दिन से यहाँ भटक रही हूँ, कितना दिन आऊँ? ये इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते सर, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और हाल ही में एक शातिर चोर ने कार की डिक्की से लाखों के गहने पार कर दिए। ये भी बता दें कि चोर ने चालाकी से कार से गहनों को पार किया है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये कारनामा चोर ने केवल एक मिनट में कर दिखाया। कार से चोर ने 7 सोने की और 1 चांदी की अंगूठी सहित 16,000 की नगद को चोरी किए हैं। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बड़े ही शातिराना अंदाज में महज 1 मिनट के अंदर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और काफी कुछ लेकर फरार हो गया है। आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, एक काले रंग के कपड़े में एक व्यक्ति जो कि फोन पर बात कर रहा है और अचानक से चोरी करता है और वहां से फरार हो जाता है। बिलासपुर से खबर, जहां अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। गिरोह की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। सोने चांदी के 9 लाख के जेवर भी उनके कब्जे से जब्त किए गए हैं। काम के बहाने घरों में चोरी करती थी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।